मोहन सरकार के कार्यकाल का पहला बजट वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने पेश कर दिया। मध्य प्रदेश का ये बजट 3,65,067 करोड़ रुपए का है, जिसमें पिछले बजट की अपेक्षा 16% की बढ़ोतरी हुई है। विपक्ष के शोर शराबे के बीच वित्त मंत्री ने ये बजट पेश किया। उन्होंने कल के नए सवेरे हैं हम, धरती की संतान हैं हम, स्वयं से हम तकदीर बदलते मानवता के अभिमान हैं हम, कविता पढ़ते हुए बजट भाषण की शुरुआत की और इसके बाद पूरा बजट भाषण पढ़ा। आपको बता दें कि बजट में उज्जैन में 2028 में होने वाले सिंहस्थ के लिए भी विशेष प्रावधान किया गया है। सिंहस्थ के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान है, जिसके तहत उज्जैन समेत आसपास के 10 जिलों में विकास के कई कार्य किए जाएंगे। मोहन सरकार ने बजट में सरकारी भर्तियों के लिए बड़ा प्रावधान किया है। अब मध्य प्रदेश में सरकारी भर्तियों की फीस कम की जाएगी, इसके लिए राज्य सरकार नई नीति बनाएगी। मध्य प्रदेश में ई बस योजना की शुरुआत की जाएगी, जिसके तहत प्रदेश में 552 बसें चलेंगी और ये बसें इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, सागर और उज्जैन में चलाई जाएंगी। इसके तहत ही उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि राज्य के बजट में 16% की वृद्धि हुई है। हमारी सरकार तेजी से काम कर रही है। मध्य प्रदेश ने हर क्षेत्र में विकास किया है और सड़कों के मामले में एमपी में रिकॉर्ड निर्माण हुआ है, जबकि एक्सप्रेस वे और हाईवे को लेकर रिकॉर्ड काम किया गया है। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं कि आखिर जो आज का ये मध्य प्रदेश का बजट पेश किया गया है, इसमें किस क्षेत्र में क्या प्रावधान।